केमिस्ट्री क्लास में सबसे पहले कि हमें 11th क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। फर्स्ट थिंग बेटा, केमिस्ट्री आप लोगों ने मतलब 10th पास आउट किया है, पेपर नहीं दिया है, कुछ कांसेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आएगी, जो आपको डिस्कस करने में प्रॉब्लम आएगी। हम 11th क्लास में बेटा केमिस्ट्री तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री से। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे बेटा द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का। यहां पर हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो पहला चैप्टर है बेटा, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो चीजें हमने 9th 10th क्लास में पढ़ी है उनका एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि बेटा वो रिवीजन बहुत जरूरी है, उसके बाद हम आगे जाकर न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे। तो स्टार्टिंग 3 क्लास हम बेसिक कांसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट यहां पे अराइज कैसे हुआ, हम केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं दैट व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में सबसे बेसिक अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे बेसिक क्या है बेटा, दैट व्हाट इज मैटर। 9th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वो जो चैप्टर है आप सोचो 9th क्लास 11th क्लास थोड़े से रिलेटेबल है, क्योंकि क्वेश्चंस के आपको सेम मिल जाते हैं, थोड़े नेम सेम मिल जाते हैं। अब इस केस में बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पर दैट व्हाट इज मैटर, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री सब जगह, अगर हम देखें कोई भी केमिकल है, कोई भी केमिकल है, एसिड रेन है,